चना दाल का तड़का। ये टमाटर, ये दाल उबल चुका है, दाल उबल चुका है और यहाँ पर प्याज लाल हो रहा है। चना दाल का तड़का, ये टमाटर, ये चना दाल और ये है प्याज। कढ़ाई में प्याज लाल हो गया है और मैंने मसाला डाल दिया है। मसाला अच्छे से भून के इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर। ये रहा टमाटर, टमाटर डाल देंगे। नमक हल्दी तो इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि दाल में ही डाल चुके हैं नमक और हल्दी, तो इसमें जो डाले हैं वही उसी में हो जाएगा। तो चलिए पर जब तक टमाटर पकता है तब तक दाल को अच्छे से घोट लेंगे। घोट के फिर उस टमाटर पक जाएगा उसमें डाल लेंगे। ये है दाल को अच्छे से घोट लिए हैं एकदम गाढ़ा गाढ़ा। अब इसमें ये टमाटर जो डाले हैं कढ़ाई में, टमाटर पक रहा है, टमाटर देख सकते हैं एकदम लाल हो गया है। मसाला वसाला तो पूरा भुना गया है, इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। हमारा चना दाल इस बर्तन में मैंने निकाल लिया है। अब इस चने दाल को वहां डालेंगे कढ़ाई में। देखिए ये है चना दाल, मेरा फेवरेट है। आप लोगों का भी फेवरेट होगा, जिसका जिसका फेवरेट है सब। चना दाल, चना दाल अभी रेडी हो रहा है, तब तक कुछ और कर लेते हैं। जब तक दाल उबलता नहीं है तब तक इसको उबलने देंगे। 5 मिनट चावल बन चुका है, चावल उबल गया है, अब ये पक चुका है। अब ज्यादा पानी नहीं सुखाएंगे, गाढ़ा गाढ़ा ही दाल सही लगता है। ये देखिए दाल एकदम पक गया है, खुशबू अच्छी आ रही है ना। हम इसको बंद कर देंगे और ये चावल निकल चुका है और इसको लगा है भूख। चावल निकल चुका है, ये दाल, दाल भात, तड़का वाला दाल, ये चना दाल। अब ये ले जाएगा और खाएगा, बताना कैसा लगा। ठीक है, चना दाल और चावल कैसा लग रहा है? किसने बनाया है? अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना?